लिविंग मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूँ। मित्रों, इस लिविंग हैप्पीली के अगली श्रृंखला में, अगली कड़ी में, इस एपिसोड में आप पामिंग देखने जा रहे हैं। मित्रों, यह चौथी कड़ी है अपने आंखों की देखभाल की श्रृंखला में। जैसा कि आपको मालूम होगा, पामिंग में हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को विग्रसली रबिंग करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में या दंडासन में, किसी भी आप अपने सुविधाजनक स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर इन सारी स्थितियों में आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पर भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन भरपूर फायदा लेने के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बैठ कर ही करें, और इसके लिए अपने आंखों को बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने आसन सेलेक्ट कर लिया और आंखों को बंद कर लिया। अब हमें क्या करना है मित्रों, अपने दोनों हाथों को रब करना है विग्रसली, जब तक यह आपको गर्म महसूस ना हो, और कम से कम 10 सेकंड तक आप करेंगे तभी आपकी हथेलियां गर्म होंगी। और गर्म होने के बाद इसके हथेली को अपनी आंखों पर इस तरह से कपिंग करना है, जब तक यह गर्म है रखे रहना है, और फिर ठंडा होने के बाद फिर से इसे रबिंग करना है। जब अपने हाथों को यहां रख रहे हैं मित्रों, तो हमें सूथनेस महसूस करना है, यानी कि प्रसन्नता, एक बड़ी सुखदायक भावना महसूस करना है, एक हल्का सा वार्म फीलिंग लेना है। यह क्या कर रहा है मित्रों, हमारे आई के मसल के चारों ओर ट्रांसमिट कर रहा है रेडिएशन, यहाँ के हाथों की गर्मी, जो कि हमारे मसल को रिलैक्स कर रहा, रिवाइटलाइज कर रहा है, पुनर्जीवित कर रहा हमारे आई के मसल को, और हमारे डिफेक्टिव विजन को यह सही कर रहा है। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं मित्रों, जब हम अपने हाथों को रबिंग करके जब यहाँ रख रहे हैं, तो एक सूथिंग डार्कनेस से हम नहला रहे हैं अपने आंखों को, और इसी हाल में हमें बने रहना। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हथेली को आई पर रखना, और यह ध्यान देना है कि इस पर ज्यादा जोर नहीं देना है, अंडू प्रेशर नहीं देना है। इसी तरह से हमें कम से कम 3 बार करना है मित्रों, और अगर आप 3 बार कर ले रहे हैं, सुबह भी कर लीजिए, शाम में भी कर लीजिए, तो यह पूरे आपके आंख के मसल को पुनर्जीवित कर देगा। और इससे क्या होता है मित्रों, हमारे स्टिमुलेशन हो जाते हैं यहाँ के सर्कुलेशन, जो कि एक्वस ह्यूमर कहा जाता है, जो कि एक लिक्विड है, जो कि हमारे लेंस और कॉर्निया के बीच में होते हैं, जो कि यहाँ चिकनाई के लिए जरूरी होते हैं, उसमें स्टिमुलेशन आ जाते हैं, जिससे इसका प्रवाह ज्यादा होता है, इफिशियंटली होता है, और तभी यह हमारे डिफेक्टिव विजन को ठीक करता है। तो आइए आप हमारे साथ पामिंग कीजिए। आपको ध्यान देना है इस दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी सीधा, गर्दन सीधा, सर सीधा, और आंख बंद होनी चाहिए, और यहां ऐसे रख लीजिए आंखों पर। ये बड़ा ही आसान पामिंग है मित्रों। इसी को अगर आप जटिल बनाना चाहते हैं तो आप दोनों हाथ को ऊपर ले जा सकते हैं, जितना ऊपर जा रहा है ऊपर तक ले जाइए, और यहां इस तरह से बीचों बीच रख के यहां कम से कम 3 बार कीजिए मित्रों। तो यह हमारा पामिंग है, जो कि आई एक्सरसाइज का सबसे सरलतम और प्रथम है। अगर मित्रों इसी के पामिंग के बेनिफिट को ही और भी आप बढ़ाना चाहते हैं, तो जब राइजिंग सन हो या जब सूर्यास्त हो रहा हो, सूर्योदय हो रहा, उस तरफ आप सन को फेस करता हुआ आप कीजिए। हाँ, आपको आंख नहीं खुला रखना है, क्लोज लिड पर ही रखना है, और आपको यह भी ध्यान देना है मित्रों कि डायरेक्टली कभी भी सन को
नहीं देखना है, आपको बस स्टार्टिंग में सिर्फ आंख खोलना है और उसके बाद आंख को बंद ही रखना यहां। तो इस तरह से आप बड़ा ही सरलतम पामिंग कीजिए और हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र कुमार की ओर से।